तो दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर कार्तिक काफी समय से किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। पिछले दिनों उन्हें करण जौहर की फिल्म दोस्ताना 2 से आउट कर दिया गया। अब खबरें सामने आ रही है कि कार्तिक को उनके दूसरे प्रोजेक्ट से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और ये बड़ी बजट की फिल्म थी। बताया जा रहा है कि कार्तिक आर्यन को अब किंग खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज में बन रही फिल्म फ्रेडी से बाहर कर दिया गया है। इस फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को 2 करोड़ का साइनिंग अमाउंट भी मिला था, जो उन्होंने वापस लौटा दिया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या वजह है कि एक्टर को फिल्म के लिए साइन करने के बाद निकाल दिया गया है। तो आपको बता दें कि इस फिल्म से भी कार्तिक निकालने की वजह भी वही बताई जा रही है जो दोस्ताना 2 में बताई गई है। सूत्रों का कहना है कि कार्तिक को शाहरुख की फिल्म में भी वही प्रॉब्लम थी जो करण जौहर की फिल्म दोस्ताना में थी। बताया जा रहा है कार्तिक इस फिल्म को भी साइन करने और कहानी को अप्रूवल देने के बाद स्क्रिप्ट में बदलाव करने के लिए कह रहे थे। इन्हीं सब वजहों को देखते हुए शाहरुख खान के प्रोडक्शन टीम को कार्तिक को फिल्म से बाहर करना पड़ा। हालांकि फिल्म अभी तक फ्लोर पर नहीं आई थी, इसलिए शाहरुख की कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ, जैसा कि हमें पिछली बार देखने को मिला था। क्योंकि करण जौहर कार्तिक के साथ दोस्ताना 2 की शूटिंग काफ़ी हद तक कर चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें कार्तिक को बाहर करने के बाद काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। बात करें फिल्म फ्रेडी की, तो उसमें कार्तिक के ऑपोजिट कैटरीना कैफ को कास्ट किया गया था, लेकिन अब कार्तिक को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिसके बाद टीम को नए लीड एक्टर की तलाश करनी होगी। ऐसे में अब देखना होगा कैटरीना के साथ किसकी जोड़ी बनाई जाएगी और कार्तिक और कैटरीना को साथ देखने की इच्छा रखने वाले फैंस को अब ये मौका कब मिलेगा। हालांकि जानकारी के मुताबिक कहना है कि कार्तिक का ये रवैया उनके करियर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन अब ये सच क्या है ये तो कार्तिक और रेड चिलीज की टीम ही जानती। तो देखना ये होगा कि कार्तिक का आने वाला करियर कैसा जाएगा। आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।